Hello everyone. So in this video, we will talk about the polioviruses. Now coming to the polioviruses, it belongs to a family which is known as a Picornaviridae family. The word pico, that means that it is a very small, okay? So ये जो virus होता है, ये already genome जो उसका size होता है, वो बहुत ही ज़्यादा small होता है. Which is around 7 to 8 kb in size. और जो इस वायरस का जीनोम होता है वो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि जो इसका mRNA होता है that can be directly used for the synthesis of the protein, और जिससे कि जो वायरल की प्रोजनीज हैं वो जो है इसे बन सकती हैं. Picornaviridae फैमिली में और भी बहुत इंपॉर्टेंट वायरसेस आते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, या फिर फुट एंड माउथ डिजीज हो गया. पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पोलियो वायरस के बारे में. जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस है. जो बाल्टीमोर, जो डेविड बाल्टीमोर साइंटिस्ट थे, दे हैव क्लासिफाइड द वायरसेस इनटू सम 7 ग्रुप्स एंड ही हैज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, वेदर इट इज अ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उस बेसिस पे वायरसेस को जो है क्लासिफाई किया गया है. और जो क्लास 4 वायरसेस होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रैंड होते हैं, मतलब उनका आरएनए जो होता है दैट कैन बी डायरेक्टली यूज एज द एमआरएनए फॉर द ट्रांसलेशन एंड टू क्रिएट द प्रोजेनीज. अब इस स्लाइड में आप वो पिक्चर्स देख सकते हैं विच शोज दैट दिस पोलियो वायरस वाज अ मेजर एपिडेमिक एंड द पैंडेमिक इन वर्ल्ड वाइड. एंड टिल 2015 देयर वाज ऑल द कंट्रीज वेर इरेडिकेटेड ऑफ द पोलियो वायरस, पर दो कंट्रीज ऐसी थी जो कि रह गई थी, दैट वाज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. नाउ द WHO रिपोर्ट सेज दैट पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स. ओके, सो आप सबको पता है कि पोलियो वायरस से जो है मेनली जो है वो पैरालिसिस हो. बात करते हैं पोलियो वायरस की, तो ये एंटरोवायरस है, आरएनए इसका जीनोम है. इसके 3 सीरोटाइप्स जो है वो प्रिविलेंटली फाउंड होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. अगर किसी इंसान की बॉडी में अगर किसी एक सीरोटाइप के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उस आदमी के अंदर बाकी सीरोटाइप्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी होगी. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ये जो वायरसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द वायरसेस ये जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं हीट से, पैराफॉर्मल्डिहाइड से, क्लोरीन से और अल्ट्रावायलेट लाइट से. मोस्ट ऑफ द वायरस, नॉट इवन ओनली पोलियो वायरस, मोस्ट ऑफ द वायरस कैन गेट इनएक्टिवेटेड बाय ऑल दीज 4 टेक्निक्स. नाउ कमिंग टू द पैथोजेनेसिस, सबको पता है कि पोलियो वायरस जो है वो ओरल फीकल रूट को जो है वो फॉलो करता है. तो इस वायरस की जो एंट्री है वो थ्रू माउथ होती है. जब एक बार इस वायरस की एंट्री हो गई थ्रू माउथ, तब इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि इंक्लूड करता है ओरियोफैरिंक्स में, और फिर ये वायरस जो है गट में जाता है, और गट में इसका रेप्लिकेशन और ज्यादा होता है. एक बार जब इस वायरस की रेप्लिकेशन हो गई, देन इट इन्वेड्स थ्रू द लोकल लिम्फॉइड टिश्यूज एंड देन इट कैन एंटर टू अवर ब्लड स्ट्रीम्स. ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. वंस इट हैज इन्फेक्टेड अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये उनका डिस्ट्रक्शन कॉज करने लगता है. एक बार जब हमारे मोटर न्यूरॉन्स या फिर हमारे न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि रिजल्ट करेगा हमारे लोकोमोटरी पैरालिसिस में, और कई तरह के डिस्टिंक्टिव पैरालिसिस जो होते हैं वो कॉज होते हैं इस पोलियो वायरस. अब अगर हम बात करें इसके कैप्सिड की, इसका कैप्सिड जो है वो किस प्रोटीन से बना होता है, तो जो पोलियो वायरस का कैप्सिड होता है वो 4 मेजर प्रोटीन से बना होता है, VP1, VP2, VP3 और VP4. जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है हमारा VP1, VP2 और VP3 से, और ये कुछ नहीं, ये बस बीटा बैरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर का स्ट्रक्चर, कैप्सिड का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं. VP4 जो होता है वो कैप्सिड के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन है. वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये जो कैप्सिड होता है प्रोटीन का, वो अपने मतलब कितना उसका साइज ज्यादा है उस हिसाब से ये क्लासिफाई किया गया है, VP1 से लेकर VP4 तक. जो इसकी कैप्सिड होती है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री की होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 60 कॉपीज ऑफ ऑल दीज 4 वायरल प्रोटीन्स, दैट इज VP1 to VP4. ऑल दीज आर द 8 स्ट्रैंडेड बीटा बैरल प्रोटीन्स, और
अगर हम बात करें जब ये प्रोटीन का जो कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर बनता है, व्हेन दिस प्रोटीन अरेंजमेंट्स हैपन, ये प्रोटीन अरेंजमेंट्स जो है वो एक कैनियन की फॉर्मेशन करती हैं। कैनियन क्या है? कैनियन एक तरह का क्लेफ्ट है, जैसे कि जब वन जब वन ऑल द प्रोटीन्स गेट कंबाइंड वन हॉलो स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एंड दीज हॉलो और द क्लेफ्ट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द कैनियन्स। ओके, ये जो कैनियन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द वायरल अटैचमेंट साइट्स। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वायरल attachment site. Now you can see here that all the four viral proteins, capsid proteins are shown here. VP1, VP2, VP3 and VP4. Okay, as they are classified on the basis of their structure. So you can see that VP1 is the very large in structure as comparison to the VP2, VP3 and then VP4. VP4 के पास एक extra meristyle group present होता है. ये इसको attain होता है through post translation modification. Okay? Then you can see that when all these proteins are arranged, they form a cleft like structure और इस cleft को हम कहते हैं canyon. Okay? और ये canyon जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे वायरस का अटैचमेंट। बात करते हैं इसके जीनोम के बारे में। तो जो पिकोरना वायरस का जो जीनोम होता है वो जनरली 7 से 8 KB का होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए होता है। अब इसके पास एक कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं VPG प्रोटीन, मतलब वायरस प्रोटीन एंड विच इज लिंक टू इट्स जीनोम, इसीलिए इसका नाम है VPG। और जो इसका लिंकिंग होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है और ये प्रेजेंट होता है इसके आरएनए पे। ओके, जीनोम की बात करें तो इसका जीनोम जो होता है वो ऐसा होता है, 5' से लेकर 3' तक इसका आरएनए हो गया, जो इसके एंड पे होगा वो उसके एंड पे प्रेजेंट होगा हमारा वीपीजी प्रोटीन, और फिर जो 5' रीजन पे कुछ अनट्रांसलेटेड रीजंस प्रेजेंट होते हैं। इस अनट्रांसलेटेड रीजन में जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होता है वो होता है हमारा IRES, दैट इज इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट्स, और फिर एक बहुत बड़ा ORF होता है, इट हैज ओनली 1 ORF, और यही ORF जो होता है इसके स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को जो है वो जनरेट करता है। सो दीज आर द 3 मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स जीनोम। वन इज द VPG प्रोटीन, दैट इज वायरल प्रोटीन विच इज जीनोम लिंक्ड, देन सेकंड इज द 1 पॉली प्रोटीन which produces, that is 1 large ORF, and the third is the IRES side. It has almost 6 IR, it has almost 6 structures which is present in its IRES side. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि कैसे पोलियो वायरस का रेप्लिकेशन होता है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वायरल का रेप्लिकेशन आखिर होता कैसे। तो इसमें कुछ 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है अटैचमेंट, दूसरा है एंट्री ऑफ द वायरस, तीसरा है कि कैसे वायरल का ट्रांसलेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन और जीनोम रेप्लिकेशन विच इज फॉलोड बाई असेंबली, एंड देन फाइनली द एग्जिट ऑफ द वायरस। तो उसको पहले हम एक बेसिक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस की रेप्लिकेशन को समझते हैं। हमारे सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, तो इस वायरस के लिए जो रिसेप्टर यूज होता है वो होता है एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच इज CD155। एक बार जब वायरस की एंट्री हो गई तो वायरस की एंट्री या तो मेम्ब्रेन से बाउंड होके होगी या फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू होगी। जब एक बार वायरस एंटर कर गया तो वो अपना जो भी पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, अपना जो जीनोम है वो रिलीज कर देगा। एक बार जब जीनोम रिलीज हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड है, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होने से ठीक पहले उस आरएनए को जो है उसका क्लीवेज होगा और उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। वायरल के आरएनए के खुद के पास अपना प्रोटीएज होता है, अपना पॉलीमरेज होता है, जिससे कि वो अपना ट्रांसलेशन, अपना ट्रांसक्रिप्शन और अपना रेप्लिकेशन जो है वो खुद स्टार्ट कर सकता है। मीनवाइल वो होस्ट की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है एंड देन इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन वायरल आरएनए, और ये दोनों तरीके के आरएनए प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए भी और नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए की। बस ये जो रेप्लिकेशन होती है वो एसिमेट्रिक होती है, जिसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जो होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कंपैरिजन टू द नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। एक बार साथ ही साथ ट्रांसलेशन होती है, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वायरल की रेप्लिकेशन होती है।
एक बार जब उसके वायरल प्रोजेनीज के लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ आरएनए बन जाए और प्रोटीन्स की मदद से उसका कैप्सिड वगैरह सब कुछ बन जाए, फिर न्यूक्लियो कैप्सिड वगैरह सब कुछ बर्ड ऑफ हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वो होस्ट सेक्रेटरी पाथवे को फॉलो करके वायरियॉन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है जो हर पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की रेप्लिकेशन जो है वो फॉलो करती है। स्पेसिफिकली बात करते हैं अगर हम पोलियो वायरस की, तो पहला स्टेप आता है अटैचमेंट। तो हमने पहले ही बात कर ली कि पोलियो वायरस का जो रिसेप्टर है वो है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि CD155 है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर CD155। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली को जो है वो बिलोंग। फिर जैसे ही एक बार वायरस ने एंट्री की, उसके बाद जो उसका VP4 प्रोटीन होता है उसका लॉस होने लगता है। वंस द वायरस हैज स्टार्टेड इट्स बाइंडेड टू इट्स रिसेप्टर, देन द VP4 इज लॉस्ट फ्रॉम द वायरियन और ये जो है वो CD155 से जो है एकदम अच्छे से टाइटली जो है वो बाउंड कर लेता है और इसकी है वो या तो एंडोसाइटोसिस से होगी या फिर इट एंटर्स थ्रू द डायरेक्टली टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपनी कैप्सिड को जो है ये बाहर ही लीव कर देता है। ओके, जब हमारा VP4 का लॉस हो गया, उसके बाद जो VPG प्रोटीन होती है वो भी जो है वो रिमूव हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ सम सेल एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएजेस करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है वो कैसा होता है। वायरस एंटर कर गया, उसका आरएनए आ गया, अब स्टार्ट होगा उसका ट्रांसलेशन। तो इस वायरस का जो ट्रांसलेशन होता है, सिंस ये जो वायरल होता है वो कैप्ड नहीं होता, मोस्ट ऑफ द हमारे एमआरएनए जो होते हैं उनकी कैपिंग होती है, पर इस वायरल एमआरएनए के पास कैपिंग नहीं होती है, तो इसीलिए इसका जो जिसका जो ट्रांसलेशन होता है वो थोड़ा अलग सा होता है। जब जो हमारे राइबोसोम का 40S सब यूनिट है वो जाके डायरेक्टली बाइंड करता है हमारी IRES साइट से। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि दे हैव IRES साइट, सो द 40S सब यूनिट इट गोज एंड इट डायरेक्टली बाइंड टू द IRES सब यूनिट एंड देन द ट्रांसलेशन। अब क्या है, जैसे जैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई तो वायरस आरएनए के पास अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन है। उसके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि किस पोर्शन से कैप्सिड प्रोटीन बनेगी, कितने पोर्शन से नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, किस पोर्शन से जो है उसका पॉलीमरेज बनेगा। तो एक बार जब इसका एमआरएनए एक पूरा ओआरएफ जो है वो सिंथेसाइज हो गया तो वो जो है फिर क्लीवेज होने लग जाएगी, हाफ हाफ पार्ट्स जो है वो डिवाइड होने लग जाएंगे। पहले कुछ पोर्शंस बनाएंगे कैप्सिड प्रोटीन, कुछ पोर्शंस बनाएंगे हमारे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो एक बार जब क्लीवेज पहली जो होगी वो बनाएगी हमारी P1 प्रोटीन को। जब P1 प्रोटीन बन गया तो उसमें मायरिस्टाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। P1 प्रोटीन के बनने के बाद P2 और P3 प्रोटीन्स भी बनेंगे, पर P1 प्रोटीन विल गेट देन सेपरेटेड इनटू VP0, 1 एंड VP3। बाकी P2 प्रोटीन और P3 प्रोटीन जो है वो जनरेशन करेंगे हमारे कुछ और प्रोटीन्स जैसे कि जो इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि ATPase हो गया, VPG प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, RNA पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हो गया और जो ये ऑरेंज हाइलाइटेड रीजन है वो हमारे बनाएंगे प्रोटीएजेस को। तो एक वायरल आरएनए जब वो पॉलीप्रोटीन बनाता है उस टाइम पे वो सब कुछ बनाता है, कैप्सिड प्रोटीन की जीन्स बनाता है जो कि हमारी VP0, 3 और VP1 है, बाकी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मींस वो प्रोटीन जो उसके रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है पर उसके कैप्सिड को नहीं वो फॉर्म कर रही है, जैसे कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ATPase हो गए, कुछ होस्ट प्रोटीएजेस हो गए, सॉरी वायरल प्रोटीएजेस हो गए। तो इन सब की फॉर्मेशन जो है वो आफ्टर क्लीवेज और ट्रांसलेशन के बाद जो है वो स्टार्ट होने लगती है। तो दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन दैट फर्स्ट द जीनोम विल इनकोड फॉर अ पॉलीप्रोटीन जो कि बहुत सीधी सॉफ्ट क्लीवेजेस में जाएंगे जिससे कि हमारे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। वायरस ने जब क्लीवेज हुआ तो पहला जो प्रोटीन बनेगा वो हमारा P1, P2 और P3 होंगे। P1 जो बनाएगा वो हमारा VP0, 3 और VP1 बनाएगा जो कि उसके कैप्सिड बनाने के लिए यूज होंगे और P1 का मॉडिफिकेशन होगा, उसमें मायरिस्टाइल ग्रुप लग जाएगा, इसीलिए हमें कहते हैं दैट P1 इज मायरिस्टाइलेटेड। देन VP0 जो होता है वो फर्दर क्लीव होके हमारे कुछ और प्रोटीन्स बनाता है जैसे कि VP2, VP4 हो गया और बाकी जो क्लीवेज प्रोडक्ट्स होते हैं
उसमें हमारे ATPase, RNA polymerase और हमारा BBG proteins की formation होती है। अब बात करते हैं कि हमारे जो replication होता है, वो replication कैसे होता है? तो इस अब हमें पता है कि RNA का replication जो है, वो कभी भी nucleus में नहीं होता, वो cytoplasmic structures में होता है, एक vesicle-like structure में होता है, और वो vesicle जो होती हैं, वो हमारे endoplasmic reticulum की बनती हैं, और एक ही double membrane-like structures होते हैं, ठीक है? तो viral RNA का replication जो है, वो cytoplasm में होना है, ER के membranes में होना है, तो जब ये replication हो रहा है, उस टाइम पे हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आरएनए प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन एसिमेट्रिक होता है, मतलब जो ज्यादा आरएनए बनेगा वो प्लस स्ट्रैंडेड होगा, और जो कम आरएनए बनेगा वो हमारा नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जो है वो तीन फंक्शन कर सकता है, वो डायरेक्टली यूज हो सकता है एमआरएनए के लिए, वो डायरेक्टली जाएगा प्रोजेनी के वायरल प्रोजेनी के लिए जीनोम्स बनाएगा, या फिर वो फर्दर यूज होगा नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए बनाने के लिए। ओके, सो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए कैन बी यूज्ड फॉर द थ्री मेन फंक्शंस। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जीनोम रेप्लिकेशन की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोकेशन जो होती है, इट इज एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स, जो कि हमारी मोस्टली साइटोप्लाज्म में होती है, और ये जो वेसिकल डिराइव्ड होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, और सारे के सारे जो भी क्लास फोर्थ वायरस होते हैं या फिर जो भी पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं, उनकी रेप्लिकेशन इन्हीं वेसिकल्स में होती है, ठीक है? अब इस वायरल रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर कहाँ से आएगा? They have to start. प्राइमर क्या है? तो सिंस इस वायरस के पास एक एंड पे वीपीजी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो वीपीजी प्रोटीन जो है वो उसमें और मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो यूरी डायलेटेड होता है, मींस उसमें यूरिडिन के ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सिंस ट्रांसलेशन भी हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, तो जो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो डायरेक्टली हमारा यूज होगा हमारे मोर आरएनए और रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है? तो जो प्राइमरी होगा हमारा, वो हमारा वीपीजी प्रोटीन होगा, और ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो क्री एलिमेंट पे होती है, जो कि एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वायरस के जीनोम। अब बात करते हैं असेंबली और एग्जिट की, जो कि फाइनल स्टेप होता है फॉर द वायरल रेप्लिकेशन। सो सिंस एक बार जब हमारा क्या होगा, हाफ पोर्शन में हमारा जो है वो प्रोकैप्सुल असेंबली हो रही है। प्रोकैप्सुल असेंबली कैसे हो रही है? वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन से हो रही है। हमारा एमआरएनए बना, वो क्लीव्ड हुआ, उसने P1, P2, P3 प्रोटीन्स बनाए। P1 ने हमारा VP03 और VP1 बनाया, जो कि एक पेंटामर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जब हम और जो कि हमारा रिजल्ट करेगा प्रोकैप्सिड की फॉर्मेशन में। तो हमारा प्रोकैप्सिड की फॉर्मेशन चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा वायरस की रेप्लिकेशन हो रही है, और रेप्लिकेशन से वो बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा है। तो आरएनए भी तैयार हो गया, द कवरिंग इज आल्सो रेडी, नाउ दे विल मर्ज टुगेदर एंड देन दे विल असेंबल, एंड देन एग्जिट ऑफ द वायरस विल अकर थ्रू द होस्ट सेक्रेटरी पाथवे, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लीव करके वायरल की प्रोजेनीज जो है वो रिलीज्ड आउट हो जाएंगी, ठीक है? This is one of the last step of the viral replication. अब class 4 viruses के दो major points है, वो ये हैं कि translation जो है वो transcription होने के बहुत पहले ही start हो जाता है, क्योंकि सीधे mRNA है, सीधे translation start हो जाएगा। जो RNA replication है वो membranes में होती हैं, एक vesicle-like structures में होती हैं, जो कि हमारे derived होते हैं endoplasmic reticulum में। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है और जीनोम रेप्लिकेशन वो ऑलमोस्ट सेम है, और ये प्रोड्यूस करती है हमारी मोस्ट ऑफ द 50% इज द मोर देन 50% इवन 80% इज पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए एंड सम 20% इज योर नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। और जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए बना, उसके तीन फंक्शन है, वो टेम्पलेट यूज हो जाएगा आरएनए सिंथेसिस के लिए, वो एमआरएनए का काम करेगा, और वो डायरेक्टली जीनोम्स में चला जाएगा, जो डायरेक्टली काम करेगा फॉर एज अ जीनोम फॉर ऑल द प्रोजेनी वायरसेस। सो मच।